मनीष कश्यप कैसा पत्रकार है? राधा मोहन सिंह को जानते हैं? हाँ, उनको जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो सांसद है, काम वाम करते हैं क्या? तो लगता है कि मनीष कश्यप अगर मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे या जीत जाएंगे तो मतलब मोतिहारी में काम करेंगे, आपको लगता है? क्या लगता है, मनीष कश्यप अगर खड़ा होंगे तो काम नहीं करेंगे क्या? आपके नजर में अच्छा नहीं है क्या? वोट वाले लेके तो सबको ही रहले। अच्छा, आप सबको सरकार ने हई कराए। मनीष कश्यप जी यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनको सपोर्ट कीजिएगा? यहाँ के जो है कि राधा मोहन सिंह मोतिहारी में तो क्या काम उम करते हैं? क्या रहे हैं जो है कि मोतिहारी में नया चेहरा आए अब की बार? एकदम सब किसी को इंतजार है कि कोई नया चेहरा आए। नया चेहरा जैसे मैं बता सकते हैं कोई है ना? अच्छा, मनीष कश्यप के अलावा कोई दूसरा चेहरा आपको कोई है यहाँ पे? आप नया चेहरा देखना चाह रहे हैं मोतिहारी में तो कोई नया चेहरा का नाम बता सकते हैं? राकेश पांडे का नाम सुने हैं। दो महीने में चुनाव होने वाला है मोतिहारी में, तो क्या आपका मुद्दा रहेगा अब की बार? विकास रहेगा, और क्या मुद्दा रहेगा? तो विकास मुझे ऐसे में बता सकते हैं पांच चीजों के बारे में? मधुबनी घाट मोतिहारी जिला में पड़ता है। और लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को आना चाहिए मोतिहारी में। मनीष कश्यप काका, आप मनीष कश्यप को जानते हैं? सपोर्ट करेंगे, बिहार में चीनी मिल खुलवा दीजिए ना। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं कि जो है कि मोतिहारी में जो चीनी मिल है वो बंद पड़ा हुआ है, वो अगर खुल जाए तो हम लोग मतलब सपोर्ट करेंगे? नहीं। हाँ। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम भी मस्त। दोस्तों अभी हम मोतिहारी के जो है कि मीना बाजार के पास में ही हम मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मजदूर लोग हैं जो है कि ठेला वगैरह चलाते हैं और जो है कि चलिए इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। जो है कि चुनाव नजदीक आ गया है, जो है कि दो महीने में चुनाव होने वाला है। इस बार मोतिहारी में पूर्वी चंपारण में जो है किसको देखना चाहते हैं, या जो है कि अभी सांसद हैं वो मतलब काम किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सभी चीज जानने का हम प्रयास करते हैं। तो आप सब वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ पे बहुत सारे दुकानें भी हैं, चलिए दुकानें में भी जा जा के हम पता करने का प्रयास करें वो लोग क्या चाह रहे हैं मोतिहारी में, आपका किसको देखना पसंद कर रहे हैं। अच्छा भैया, जो है कि दो महीने में चुनाव होने वाला है मोतिहारी में जो है कि, तो आप क्या आपकी बार मुद्दा रहेगा आपका? क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलेंगे? तो मुद्दा तो जो है कि क्या मतलब विकास होना चाहिए अभी मोतिहारी में? मोतिहारी होना चाहिए क्या 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 चीज मतलब यहाँ पे अभी कमी लग रहा है आपको? अच्छा अच्छा, जो है कि राधा मोहन सिंह यहाँ पे सांसद है, क्या तो आप चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा है मोतिहारी में? राधा मोहन सिंह क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं, काम नहीं करते हैं क्या? देखिए, कोई भी जो है नया जो है तो होना चाहिए, नया होना चाहिए, किसी को जो है एक बार जो है मौका मिलना चाहिए। नहीं। अच्छा, तो अगर मनीष कश्यप का नाम सुने हैं कि नहीं आप? सुने हैं। वो क्या करते हैं? वो जो है पत्रकार है। पत्रकार है, कैसा पत्रकार है? जो बहुत बढ़िया है। मतलब बढ़िया है, सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। अच्छा, तो अब की बार वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं मनीष कश्यप, तो जो है कि वो बोल रहे हैं कि हम पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे, अगर उनको अगर टिकट नहीं भी मिलेगा तब पर भी निर्दलीय लड़ेंगे। अगर वो मोतिहारी से आ रहे हैं, मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप सपोर्ट कीजिएगा मनीष कश्यप को? सपोर्ट कीजिएगा आप? क्यों कीजिएगा सपोर्ट? जो है कि जो है वो पहला बार जब आ रहे हैं तो जो है हर किसी को जो है एक बार जो है। हाँ हाँ, तो आपको लगता है कि मनीष कश्यप अगर मोतिहारी से चुनाव लड़ेंगे या जीत जाएंगे तो मतलब मोतिहारी में काम करेंगे, आपको लगता है? जी, जो है तो होना चाहिए, करे न करे वो तो उसके ऊपर है, लेकिन जो है तो ये आता है। और अच्छा, मनीष कश्यप के अलावा कोई दूसरा चेहरा आपको कोई है यहाँ पे? नहीं लगता है। राकेश पांडे का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, जो है कि मोतिहारी के लोगों का भी कहना है जो है कि अब की बार कोई नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा में जो है कि ये लोग मनीष कश्यप का ही नाम ले रहे हैं कि मनीष कश्यप आएंगे तो मोतिहारी में विकास होगा, बहुत सारा चीज का सुधार होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये लोग मजदूर हैं। मनीष कश्यप कैसा पत्रकार है? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, उनका वीडियो आप देखते हैं? बहुत वीडियो देखे हैं। बहुत वीडियो देखे हैं। सच्चाई बताते हैं, जो भी कहते हैं सच्चाई कहते हैं, उनमें सच्चाई है। अच्छा, सच्चाई है। अच्छा, चुनाव सामने आ चुका है, दो है जो है कि दो महीने में चुनाव होने वाला है सांसद का यहाँ मोतिहारी में, तो आप किसको देखना पसंद करते हैं? मनीष कश्यप जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं, क्यों? मनीष कश्यप तो बेतिया से जो है कि खड़ा हो रहे हैं। कौन से खड़ा हो, अच्छा आदमी को लोग अच्छे ना कहेगा? अच्छा, मोतिहारी में विकास हुआ है कि नहीं पूर्वी चंपारण जिला में?
विकास तो हुआ है, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है। क्या मुद्दा रहेगा आपकी बार, क्या मुद्दा क्या रहेगा, क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या आप चाह रहे हैं मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए काम धंधा सब अच्छा से मिले, अच्छा से आदमी कमाए, अपना फैमिली के साथ रहे बिहार में। अच्छा, मतलब ये चाह रहे हैं, सरकार से यही कहना चाहेंगे नहीं कि यहाँ पे रोजगार के लिए कोई कंपनी वगैरह खुलना चाहिए? मजदूरी कम है, हाँ कंपनी वगैरह यहाँ खुलना चाहिए बिहार में। बिहार में? हाँ। अच्छा, कका आप मनीष कश्यप को जानते हैं? तो हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम है? अच्छा, राधा मोहन सिंह को जानते हैं? हाँ उनको जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो सांसद है, काम वाम करते हैं क्या राधा मोहन? काम कहाँ करेंगे, कोनो फैक्ट्री खुलवे ना किया? नहीं खोले हैं फैक्ट्री। अच्छा, इतने सालों से जो है कि सांसद है यहाँ मोतिहारी में, आप ही लोग ना वोट दे के उनको सांसद बनाते हैं? वोट वाले के तो सब कोई रह ले। अच्छा, आप सब कोई सरकार ने हई कराए, आप कथी करा ले बोलू? नहीं कराते हैं। अच्छा, जो है कि फिर जो है कि सांसद का चुनाव होने वाला है 2 महीना में, क्या तो उनको फिर जिताइएगा? अब तो जिताएंगे, वो हमारा से नहीं ना जीतेंगे। अच्छा, तो सारा लोग कहेंगे तब ना। अच्छा, तो चाह रहे हैं आपकी जो है कि अब की बार कोई नया चेहरा आए? हाँ, नया तो बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। अच्छा अच्छा, जो है कि मनीष कश्यप का नाम सुने हैं कि नहीं आप? सुने होंगे, हमको ख्याल नहीं है। नहीं ख्याल है? अच्छा, तो जो है कि क्या चाह रहे हैं, क्या क्या मतलब विकास होना चाहिए ये अपने पूर्वी चंपारण जिला में? अरे विकास यहाँ कहाँ होना चाहिए, कोई फैक्ट्री बैठा है लोग, क्लास का बैठा है लोग। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि हवा हवाई ये टेम्पू चला रहे भैया जो है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जो है कि चुनाव सामने आ गया है, जो है कि सांसद यहाँ पे राधा मोहन सिंह है, क्या विकास वास किए हैं कि नहीं यहाँ पूर्वी चंपारण जिला में? अभी तक तो मैंने नहीं हुआ है उतना। नहीं हुआ है उतना? नहीं। तो क्या मुद्दा रहेगा आपकी बार? अब देखिए, जो पूरा पब्लिक चाहेगा वही होगा। अच्छा, तो विकास में जैसे क्या मतलब अभी यहाँ पे जोड़ी है मोतिहारी में, क्या मजदूरों के लिए होना चाहिए? मजदूरों के लिए पूरा विकास होना चाहिए, जो माने मजदूर चाहता है पूरा भरपूर। अच्छा, तो यहाँ पे कंपनी वगैरह खुलना चाहिए? कंपनी एकदम खुलना चाहिए, बेरोजगार का रोजगार भी मिल जाएगा। अच्छा, चाह रहे हैं जो है कि मोतिहारी में नया चेहरा आए आपकी बार? एकदम, सब किसी को इंतजार है कि हाँ कोई नया चेहरा आए। नया चेहरा जैसे मैं बता सकते हैं, कोई है नज़र में आपके? हम तो ऐसे कुछ बता नहीं सकते अभी। अगर मनीष कश्यप जी यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनको सपोर्ट कीजिएगा? पूरा भरपूर सपोर्ट है मनीष भैया को। जी जी, तो वो तो जो है कि पश्चिमी चंपारण जिला से हैं, जो है कि वहाँ से निर्दलीय चुनाव मतलब लड़ने जा रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो अगर मतलब यहाँ से अगर लड़ते हैं तो मतलब पूरा सपोर्ट कीजिएगा? पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या करते हैं अभी जानते हैं आप? मनीष कश्यप भैया पत्रकारी करते हैं। अच्छा, किस टाइप का पत्रकारिता है, सच्चाई दिखाते हैं कि नहीं? सच्चाई बहुत, पूरा सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। अच्छा, बहुत लोग उनका विरोध भी करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? जो विरोध करते हैं वो गलत करते हैं, ठीक है, सच का कोई भी माने देना चाहिए सपोर्ट। अच्छा, अब मनीष भैया अगर आ गया तो मनीष भैया जो भी करते हैं सच पे करते हैं। अच्छा, तो आपके नज़र में कौन सा पार्टी बेहतर है? अब पार्टी बेहतर के बारे में अब देखिए, सब बीजेपी आरजेडी कांग्रेस, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अब जो पब्लिक चाहेगा वही होगा आगे। अच्छा, मनीष कश्यप को जानते हैं? जानते हैं। अच्छा, मनीष कश्यप को चाह रहे हैं जो है कि अपने पूर्वी चंपारण जिला से मतलब चुनाव लड़े? हाँ हाँ, लड़े। अच्छा, तो आप सपोर्ट कीजिएगा उनको? सपोर्ट करेंगे, हाँ, बिहार में चीनी मिल खुलवा दीजिए ना। अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं कि जो है कि मोतिहारी में जो चीनी मिल है वो बंद पड़ा हुआ है, वो अगर खुल जाए तो हम लोग मतलब सपोर्ट करेंगे नहीं? हाँ। तो अभी तो मनीष कश्यप तो ये सिस्टम में नहीं है, अभी तो राधा मोहन सिंह है, तो क्या उनसे भी, उनसे आप गुजारिश कीजिए जो है कि? राधा मोहन सिंह तो आए बहुत बहुत बाटे हैं, बहुत दिन से पुराना नेता है, लेकिन राधा मोहन सिंह चालू नहीं किए चीनी मिल। चालू नहीं की करवाए, नहीं किए नहीं, नहीं। तो आप चाह रहे हैं कि मोतिहारी में कोई नया चेहरा आए? हाँ, नया चेहरा में मनीष कश्यप ही आपको दिख रहे हैं शायद? अब तो जो अच्छा करेंगे, तो आपको लग रहा है कि मनीष कश्यप अच्छा करेंगे? अगर मोतिहारी से चुनाव लड़ते हैं जीत जाएंगे तो अच्छा करेंगे मनीष के लिए? कोई भी तीरा खड़ा रहेगा भाई, तो मनीष का सब काम करेंगे आपको लग रहा है? यहाँ बोल काम करेंगे, जब इतना कुछ किया आदमी का नज़र में, सब पब्लिक को नज़र में है, तो उन्हीं को सपोर्ट किया जाएगा।
अच्छा, तो आप राधा मोहन सिंह को देखना नहीं चाहते अब की बार? नहीं, मोतिहारी से दिए हाइये नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? राधा मोहन सिंह कुछ नहीं किए है, नहीं जैसे मैं आज है कि मीना बाजार गोलंबर पे ब्रिज होना चाहिए, सही बात है कि नहीं? जाम बहुत लगता है, गाड़ी होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे भीड़ भड़ाका होता है मोतिहारी में? वहाँ रेलवे स्टेशन है, वहाँ जो फाटक है वहाँ पर जाम बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पर होना चाहिए, बहुत जरूरी है वहाँ। यहाँ छतौनी तो गोलंबर पे भी जो, हाँ यहाँ भी जरूरी है। कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं अब की बार मोतिहारी में? अच्छा, सांसद है यहाँ के जो है कि राधा मोहन सिंह मोतिहारी में, तो क्या काम उम करते हैं? काम नहीं करते हैं, तो क्या आप नया चेहरा देखना चाह रहे हैं मोतिहारी में? तो कोई नया चेहरा का नाम बता सकते हैं? नाम तो ना बता। नाम नहीं बताइएगा? दूसरा कोई? अच्छा अच्छा, ये बात है। तो क्या मतलब मुद्दा क्या है मोतिहारी में, क्या होना चाहिए? कोई चीज का जोड़ी है मोतिहारी में, रोड वगैरह ये सब चीज, या मजदूरों के लिए कंपनी वगैरह? नहीं है कुछ, तो उनके लिए क्या मतलब होना चाहिए सुविधा यहाँ पे, किस चीज होगी? अच्छा, होना चाहिए। तो राधा मोहन सिंह आपके नजर में सही नहीं है ना? अच्छा, तो आप किसको मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं जो है? अच्छा, आप बीजेपी की आरजेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं? वही आई वही जीती हारी अपन काम करी, हम कुछ करें। अच्छा अच्छा, मनीष कश्यप का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं। अच्छा अंकल जी, 2 महीने में चुनाव होने वाला है मोतिहारी में, तो क्या आपका मुद्दा रहेगा अब की बार? विकास रहेगा, और क्या मुद्दा रहेगा? तो विकास मुझे ऐसे में बता सकते हैं 5 चीजों के बारे में, जैसे सड़क हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इस पर हम लोग विकास पर जो हम वोट। अच्छा, तो मोतिहारी में सही अभी व्यवस्था नहीं है क्या सड़क का? अभी तक तो व्यवस्था सही नहीं। कहाँ कहाँ पे मतलब ये होना चाहिए? इलाके में जाने पर यहाँ का व्यवस्था सही नहीं, बाकी तो इधर अभी सही है। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारे लोगों से बात किए हैं, तो सभी कोई बोल रहे हैं कि ये मीना बाजार गोलंबर पे जोड़ी है, एक ब्रिज होना चाहिए, क्या सही बात है? एकदम होना चाहिए। और मतलब कहीं पे होना चाहिए? जाम से मुक्ति के लिए तकना अनिवार्य है एकदम। अच्छा, कहाँ कहाँ पे जोड़ी है ब्रिज का मोतिहारी में? अभी छतौनी चाहिए। अच्छा, और मीना बाजार चाहिए एकदम, जाम से निकाल के एकदम। अब मजदूरों के लिए क्या मतलब व्यवस्था होना चाहिए? मजदूर लोग भी बहुत रो रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद का व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ वो लोग रह सके, तरण स्थल एक बनना चाहिए। अच्छा, कंपनी वगैरह खुलना चाहिए यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर लोग पलायन करते हैं, यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, तो राधा मोहन सिंह मतलब किस टाइप का नेता है, मतलब काम उम करते हैं कि नहीं बताइए? अब देखिए, हम राजनीतिक वाले बातें नहीं, हम सिर्फ यही कहें कि जनता की जिस चीज की जरूरत है, सड़क हुआ, आपको स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा, इस पर हम मुद्दे बनाएंगे। अच्छा। और यही जनता की मेन मुख्य जरूरत की चीजें हैं। नेता जो भी हो काम करे, उनको हम लोग वोटिंग करेंगे बस। तो क्या आप चाह रहे हैं कि अब की बार कोई नया चेहरा आए मोतिहारी में? ऐसा कुछ नहीं है, अगर पुराने चेहरा सही काम किए होंगे तो उनको मिलेगा। अच्छा, आगे तो हम लोग को मोदी जी को भी देखना है, वो विचार भी तो देखना है। अच्छा, मोदी जी का नाम सुने हैं कि नहीं? अरे मनीष कश्यप से हमको मतलब ना, यूट्यूबर के बारे हम आपको जो बात कर रहे हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर आज हम वोटिंग। तो मनीष कश्यप भी ताल ठोक दिए कि हम भी अगली बार चुनाव लड़ेंगे? अरे तो लोग अपने विवेक से ना मत करेंगे, मनीष कश्यप या कोई कश्यप, लोग अपने विवेक से मत देंगे, जिसको देना होगा। तो क्या लगता है, मनीष कश्यप खड़ा होंगे तो काम नहीं करेंगे क्या, आपके नजर में अच्छा नहीं है क्या? मेरे बात को नहीं समझिए, अब नए चीज को परखना है, अब पहले से जो लोग परखा हुआ वो भी तो कुछ किए हुए हैं, उनको भी तो देखा जाएगा, ऊपर भी देखा जाएगा, सारा चीज को देखना है। तो अगर बीजेपी की ओर से मनीष कश्यप ही आ रहे हैं, मनीष कश्यप बीजेपी की ओर से आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छे हैं, मोदी का लहर है, तो अगर मोदी की ओर से आ रहे हैं तो क्या उनको सपोर्ट कीजिएगा आप? अच्छा, देखा जाएगा, उस वक्त की बात है। स्थानीय मुद्दा तो सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा होती है, हमें क्या क्या चाहिए पहले, उसके बाद उस पर भी विचार। नहीं तो राधा मोहन सिंह ये भी कह रहे हैं कि अब की बार चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, आज जो है कि कोई नया चेहरा आएगा, तो नया चेहरा में कोई आपको दिख रहा है यहाँ पे? अभी फिलहाल तो हम लोग का नया चेहरा कोई नहीं दिख रहा है वैसा जो कॉन्टेस्ट करने लायक हो। अच्छा, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को आना चाहिए मोतिहारी में। मनीष कश्यप आएंगे तो विचार किया जाएगा ना, समझे, सब लोग अपने विवेक से देता है, समझे ना। अच्छा, तो 2 महीना में ही चुनाव होने वाला है, ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। अच्छा भैया, इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।